नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पामगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर की गई खास बैठक। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का आगमन पामगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हेतु आगमन हो रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयारी के संबंध में आज सिद्ध कुटी आश्रम पामगढ़ में खास बैठक आहूत किया गया था। इस बैठक में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री रामकुमार पटेल व छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व जिला संगठन प्रभारी श्री अर्जुन तिवारी जी एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री जी के आगमन की तैयारियों को लेकर जवाबदारी सौंपी गई है और आज कैबिनेट मंत्री राम कुमार का जन्म दिवस होने के अवसर पर सभी ने सिद्ध कुटी आश्रम में केक काटकर उनको जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं दी है। उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बैठक में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पामगढ़ के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ नेतागण, साथ में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, एल्डरमैन, जोन, सेक्टर, बूथ के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ, आदिवासी कांग्रेस, व्यापार प्रकोष्ठ, युवा कांग्रेस, NSU, महिला कांग्रेस, राजीव एवं मितान सदस्य, कोठान अध्यक्ष, शाला समिति के अध्यक्ष, सभी कांग्रेस प्रकोष्ठ, सभी कार्यकारिणी कार्यकर्ता, समर्थक, समस्त सरपंच एवं पंचगढ़ पंचायती राज के सभी कांग्रेसी अधिक संख्या में उपस्थित रहे। जेक्स ने छत्तीसगढ़ से अजय यादव की रिपोर्ट। जी बताएंगे आदरणीय आज के बैठक के आज प्रदेश व्यापी माननीय मुख्यमंत्री जी के जन चौपाल योजना के तहत हमारे लगभग 19 तारीख को तिथि आसपास डेट में तय हो रहा है, जो पामगढ़ विधानसभा के 3 जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी जन चौपाल लेंगे और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मुलाकात भेंट करेंगे। उसी परिवेश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार और हमारे प्रभारी महामंत्री अर्जुन तिवारी जी के नेतृत्व में आज का इस बैठक रखा गया था सिद्ध कुटी आश्रम पामगढ़ में। आज सभी कांग्रेसी उपस्थित थे। हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जन चौपाल कार्यक्रम के दिन के लिए रणनीति तय की गई, शांति व्यवस्था पर बात की गई, सामाजिक संगठनों को कतारबद्ध मिलाने की बात की गई और सभी युवा साथियों को, NSY को, यूथ को और महिला साथियों को, सभी को कतारबद्ध सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिल जाने के लिए सर नियम उसका शर्तें बनाया गया, जो आज पूरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, छाए सांसद, छाया विधायक और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी आमजन सब उपस्थित हुआ। कार्यक्रम की तिथि बताइए। तिथि ऐसा होता है सरकार की कि तिथि निर्धारित अभी नहीं आया है, लेकिन अपन लमसम बोल सकते हैं कि 19-20 या आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन तिथि तय है। परसों आए चाहे 10 दिन बाद आए चाहे 5 दिन बाद आए, तिथि तय है पामगढ़ विधानसभा का। इसीलिए तैयारी सब तरफ चालू हो गया है। केरा में भी, सूर्यनारायण में भी, कुनार में भी, मंदिर कुटी घाट में भी, हेलीपैड में भी, सभी तरफ तैयारियाँ पूर्ण रूप से चालू हो गया है, जो तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी। और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है संगठनात्मक स्थिति को देखते हुए और ख़ासकर पामगढ़ में हमारी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना बताना, क्योंकि आने वाला समय एक पंजा छाप का सिंबल लगे और यहाँ से एक विधायक बना के अपन ने ऐसे मनसा बना हुआ है। क्योंकि देखिए 4 बोर्ड का यहाँ 2 सदस्य दिए हैं और 2 चेयरमैन दिए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो निश्चित रूप से पूरे कांग्रेस परिवार के सभी साथी बिल्कुल जोर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को हम पामगढ़ कांग्रेस को कांग्रेस की झोली में देने का प्रयास करें।